हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। देखिए आज मैं जून के मंथ में मेरे प्लांट्स में क्या चल रहा है मैं आपके साथ शेयर करूंगी। देखिए गर्मी बहुत बहुत ज़्यादा हो रही है और इंतज़ार है सभी को एक बारिश का, क्योंकि प्लांट्स वरना काफ़ी डैमेज हो जाएंगे। और आती बहुत ज़्यादा जो फ्रूटिंग होनी चाहिए थी वो नहीं हो रही है। काफ़ी प्लांट्स मेरे, एप्पल का मेरा एक प्लांट जो है डैमेज हुआ, अगर बारिश हो जाएगी तो वो अभी भी सेव हो जाएगा। देखिए मैंने देखा है कि शेडेड अगर एरिया प्रोवाइड करा सकते हो तो आप कर दीजिए, लेकिन मेरे कुछ प्लांट जो शेडेड एरिया में ही ख़राब हो रहे हैं, क्योंकि जो गर्म हवा चल रही है, जैसे मैं अभी किसी से मिलने कभी ऐसे जाती हूँ तो मैं कहती हूँ कि नहीं मेरा तो ओपन है तो इसलिए प्लांट्स, वो कहते हैं कि हमारे पूरा कवर्ड है, बिल्कुल बालकनी में रखे हुए हैं, उसके बाद भी पौधे ख़राब है। उसका सीधा सा रीज़न है इतनी गर्मी। मैंने कभी भी दिल्ली का टेम्परेचर 50 से ऊपर जाते हुए, मतलब 50 पहली बार मैं अपनी पूरी लाइफ में मैंने फेस किया है, मैंने कभी इतना टेम्परेचर, हाँ 47 ये टेम्परेचर मैंने फेस किया बट इस तरीके का नहीं किया। तो मेरे गार्डन में क्या क्या चल रहा है वो आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी। वीडियोज़ पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और देखिए फ्रेंड्स, हालांकि एक पॉजिटिव चीज़ ही मैं आपको दिखाऊंगी। सबसे पहले मेरा जो ग्रेप्स है उसको आप देखिए कितने अच्छे से फ्रूटिंग इसके अंदर जो है हो रही है। मैंने कुछ हालांकि थोड़े से ऐसे कवर्ड कर दिए थे कि धूप भी बहुत तेज़ है, उससे क्या होता है कि सारे बंचेस फिर एक साथ पक जाएंगे, तो देखिए खाने के में भी एक साथ नहीं खा सकते इतने सारे। तो ये देखिए काफ़ी, देखिए कई लोग बोलते हैं कि ना ये आपके ये फ्रूट्स कड़वे होंगे, मेरा भी कमेंट्स आए थे कि कड़वे होते हैं मीठे नहीं है। देखिए मैं ये कह सकती हूँ ये मेरे यहाँ पर काफ़ी टाइम से लग रहे हैं तो ये बहुत मीठे, हाँ इसके अंदर एक सीड है मैं ये बता रही हूँ आपको, लेकिन टेस्ट में ये बहुत मीठा है। इसका कलर जो है ना बिल्कुल ब्लैक हो जाएगा, अभी तो इस तरीके से थोड़े रेड होंगे फिर बिल्कुल ब्लैक हो जाते हैं। तो देखिए हालाँकि लीव्स भी काफ़ी अभी इसकी हेल्दी है, ऐसा नहीं है, काफ़ी अच्छे से गर्मी को बर्दाश्त करा। और ये मेरी बहुत छोटी सी बकेट में मैंने इसको बोनसाई की तरह से बनाया था। मेरे पास इसका देखिए जो है मदर प्लांट भी है और एक मैंने जो है इसको जो ये वाला लगाया हुआ है, तो इसमें मैंने कुछ अभी एप्सम सॉल्ट दिया था ताकि अच्छे से इसमें जो है फ्रूट्स का टेस्ट अच्छे से आ पाए। तो ये देखिए अभी काफ़ी अच्छे से बंचेस, एक दो नहीं देखिए काफ़ी सारे छोटे से पौधे में, मुझे भी इस बार बहुत अमेजिंग सा लगा ये देखिए, क्योंकि बंदर भी सोसाइटी में मुझे पता चला कि आ गए हैं तो मैंने थोड़ा सा इन्हें इसलिए भी कवर कर दिया कि फ्रूट्स दिखाई ना दे। और ये देखिए इस बार मेरे काफ़ी अच्छे जो हैं ग्रेप्स लगे हैं, तो ये मैं कह सकती हूँ कि इतनी गर्मी को भी ये जो हैं बर्दाश्त कर रहे हैं। और ये देखिए अमरूद का पौधा है और ये भी फ्रूट्स इसमें लगे हैं और काफ़ी गर्मी हो रही है उसके बाद भी, हालाँकि मेरा दूसरा जो प्लांट है उसके फ्रूट्स मेरे डैमेज हुए हैं, लेकिन अगर बारिश नहीं हुई तो मुझे उम्मीद है और पक्का मैं कह सकती हूँ कि ये फ्रूट्स बस थोड़े से साइज़ में और बड़े होंगे और ये पकना स्टार्ट हो जाएंगे, यानी कि पीले होने, क्योंकि इतनी तेज़ गर्मी अगर होगी तो ये प्रॉब्लम आएगी। फ्रूट देखिए सेट हैं, अगर बारिश हो जाए तो इनका थोड़ा सा, क्योंकि ओरिजिनली जो बारिश का जो पानी इनको लगता है, देखिए हम कितना ही पानी दें लेकिन जो बारिश का पानी लगता है वो इनके लिए बहुत एक तरह से मेडिसिन का काम करता है। तो ये एक है कि देखिए हालाँकि अब देखिए चल रहा है इसमें भी। और दूसरा मेरा प्लांट्स, इसमें एक रीज़न एक और ये भी है कि मैंने इस प्लांट्स में थोड़ा सा बोरॉन का फर्टिलाइज़र दिया था, उसकी वजह से भी फ्रूट्स इसमें अच्छे से सेट हुए। इसके लिए आपको ना टाइमिंग पर भी, जब आपके छोटे छोटे इस तरीके से जो मटर के दाने के बराबर फ्रूट्स हो जाते हैं तभी देना इसमें ज़रूरी होता है। मेरी ऑल टाइम मैंगो की वेराइटी है और ये भी काफ़ी अच्छे से, मुझे तो उम्मीद ही नहीं कि इतनी गर्मी के बावजूद ये फ्लावरिंग कर रहा है और वो बहुत बड़ी बात है, वरना मुझे लगा था कि इस बार की जो इसकी फ्रूटिंग मैं नहीं ले पाऊँगी, गर्मी बहुत ज़्यादा है। मैं इसको 3 टाइम वाटरिंग कर रही हूँ। इसका रीज़न है कि ये जो प्लांट आप देखें फ्रूट प्लांट, इसकी हेल्थ, और देखिए किसी ने मुझसे कहा कि पौधों को नज़र लग गई है, तो ये तो मुझे नहीं पता है। देखिए काफ़ी मेरे फ्रूट प्लांट कुछ डैमेज हुए हैं और इसमें देखिए अभी फ्रूट भी सेट हो रहे हैं, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। लेकिन कल मैंने 2-3 टाइम वाटरिंग करती हूँ इसको, तो 2 टाइम हुई उससे मेरी न्यू लीव्स कुछ आई थी, मैं शाम को अपने टेरेस पर तब इसकी बहुत डाउन हो गई थी ये पत्तियाँ। तो चलिए, क्योंकि मुझे लग रहा है कि इस बार या इसका जो पॉट, हालांकि साइज़ ऐसा नहीं है कि कोई बहुत छोटा भी नहीं है, मेरे जितने भी मैंगो के प्लांट्स हैं उसमें इस ये जो है ऑल टाइम मैंगो की वेराइटी, इसने काफ़ी अच्छी जो है ग्रोथ ली है। प्लांट इस तरीके से बुशी होता है तो उसमें फ्रूट्स भी ज़्यादा लगते हैं और इसीलिए देखिए इसे पानी की भी ज़्यादा ज़रूरत होती है। नई नई शूट्स इसमें जो है काफ़ी सारे निकल रहे हैं। और देखिए आम की जो ना आम्रपाली वैरायटी है,
अब इसका साइज़ काफ़ी अच्छा हो गया, बट अभी थोड़ा सा और इस पर कलर आ जाएगा। अभी ये थोड़ा टाइट भी है और अच्छे से प्रॉपर कलर आने के बाद ही मैं जो है इसकी हार्वेस्टिंग करूँगी। तो ये देखिए इसके अंदर जो है ये है, और इसमें अगर मैं आपको दिखाऊं तो नई ग्रोथ भी जो है देखिए अभी चल रही है। आम की जो है ये रत्ना वैरायटी है, और देखिए इसके भी फ्रूट्स में थोड़ा थोड़ा कलर आने लग गया है। मैं फ़र्स्ट टाइम ही देख रही हूँ कि कैसा होता है रत्ना, मुझे भी इतनी जानकारी नहीं है। और ये देखिए मेरा कुछ इस प्लांट को दिक्कत हुई है, ये ब्रांच मैंने हालांकि थोड़ा सा यहाँ लगाया है फंगीसाइड, बस ये प्लांट्स मेरे बचे रहे, फ्रूट्स लगे चाहे ना लगे मुझे वो टेंशन नहीं है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं कुछ सोच रही हूँ कि मैं यहाँ से इस फ्रूट को भी इसी स्टेज पर निकाल के और यहाँ से इसकी थोड़ी सी मैं इसको कट करके यहाँ पर इसको थोड़ा ताकि नई इसमें शूट्स निकल पाए। फ्रेंड्स ये मेरा जो है चीकू का प्लांट है, और फ्रूट्स जो पुराने हैं, नए फ्रूट्स की अगर मैं बात करूँ ना, देखिए इतनी सारी कलियाँ इसमें आई हुई हैं, बट ये कलियाँ सूख कर गिर रही हैं जैसे कि आप देख रहे हैं ज़मीन पर। एक्स्ट्रा होते हैं तो वो गिर जाती हैं, वो कोई बड़ी बात नहीं होती, बट ये जो गिरने का प्रोसेस चालू है ये गर्मी की वजह से, क्योंकि इतनी गर्मी में चीकू का फ्रूट सेट नहीं होता, इतना ज़्यादा टेम्परेचर ये पसंद नहीं करता है। हालाँकि आपका प्लांट हरा भरा रहेगा, तो देखिए इस बार की मैं ये कह सकती हूँ जो इतनी गर्मी इसके जो ये हो रही है ना वो वाकई बहुत ज़्यादा है, प्लांट्स के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। इसलिए मुझे लग रहा है कि डेली मैं टेम्परेचर भी चेक करती रहती हूँ कि कब दिल्ली में बारिश होगी और प्लांट्स में फिर एक बार नई बहार आएगी, क्योंकि इतने सालों से 7-8 साल से मैं यहाँ गार्डनिंग कर रही हूँ, बट मैंने कभी भी इस तरीके का, देखिए मैंने कभी भी कोई शेडेड नहीं लगाया, कुछ भी नहीं किया, और मेरे प्लांट्स जो है काफ़ी अच्छे से जो है सर्वाइव कर रहे हैं। बट इस बार पता नहीं देखिए कितने पहले तो सर्दी में अगर ये कहूँ बहुत लॉन्ग टाइम चली, उसका इफ़ेक्ट मेरे प्लांट पर आया, उसके बाद आंधी तूफान में मेरे कितने पौधे गिर गए, उससे भी देखिए रूट बाउंड इसका हिलता है, और उसके बाद अब की जो गर्मी है उसका भी इफ़ेक्ट आ रहा है। देखिए मेरे आंवले का पौधा है और इसमें भी देखिए फ्लावरिंग बहुत अच्छे से हुई थी, बट देखिए पहला साल भी था वो भी था, और एकदम से जो ना बहुत तेज जैसे इसमें फ्लावरिंग हुई उसके बाद एकदम जो छोटे छोटे जो फ्लावर्स उसमें निकले, उसमें यही हुआ कि इतनी तेज़ गर्मी की वजह से वो फ्लावर्स ड्रॉप हुए। तो चलिए नेक्स्ट टाइम अब जो भी होगा। और ये मेरा जो है बेर का प्लांट है और इसमें भी फ्लावरिंग हो रही है, बट ये फ्रूट में कन्वर्ट नहीं होती है। देखिए इस बार मेरा जो ये प्लांट है इतनी फ्रूटिंग करता है, इतनी मेरे टेरेस पर इसमें कमरख जो लगती है, बट ये देखिए नई पत्तियाँ सारी जो निकली थी वो सारी की सारी देखिए जल गई है। तो मैं मुझे बहुत बहुत बुरा लग रहा है, बट लेकिन वो ये है कि मैं कुछ भी नहीं कर सकती हूँ, तो प्लांट्स काफ़ी डैमेज हो रहे हैं। और ये देखिए लेमन की जो 12-मासी वैरायटी होती है ना वो काफ़ी अच्छा मुझे लगता है ये वाला प्लांट, क्योंकि इसमें देखिए अभी मैं हम काफ़ी हार्वेस्टिंग कर चुके हैं, उसके बाद भी देखिए काफ़ी जो है नींबू इसके अंदर लग रहे हैं। ये देखिए तो अंदर भी देखिए काफ़ी थोड़ा कांटे होते हैं पौधे में। और ये देखिए मेरा जो है सीडलेस लेमन है, इसका साइज़ ना अभी थोड़ा और बड़ा होता है, बट अब देखिए इस बार गर्मी में क्या होता है, क्योंकि वैसे इसका साइज़ काफ़ी बड़ा होता है। मेरे यहाँ पहले ही मैं इस पर हार्वेस्टिंग कर चुकी हूँ, और देखिए कितने पत्ते बर्न हो रहे हैं, नए पत्ते, हालांकि ऐसा नहीं है न्यू ग्रोथ भी हो रही है, बट उसके साथ ही पत्ते भी इतनी गर्मी की वजह से ये देखिए क्या कंडीशन हो रही है। तो अब देखते हैं इसका साइज़ ये कितना लेता है, वरना इसका साइज़ काफ़ी अच्छा जो है इसलिए नींबू का होता है। और देखिए फ्रेंड्स मैं जब अभी वीडियो, आजकल मैं वीडियो आपने देखा होगा कम बनाती हूँ, क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा है ना, तो टेरेस पर आना मेरे लिए भी सच कहूँ तो थोड़ा सा बहुत ज़्यादा, देखिए हमारे यहाँ पर गर्मी होती है अर्ली मॉर्निंग, इस समय भी वीडियो में देखिए थोड़ी लाइट हो सकता है कम, क्योंकि 6:15 का टाइम हो रहा है सुबह का, और वीडियो मैं नहीं बना पाती हूँ इसी वजह से, क्योंकि ज़्यादा काम भी आजकल टेरेस पर नहीं हो रहा है। बट एक अमेजिंग सी चीज़ मैंने देखी है, किसी के यहाँ लगा हो तो मुझे ज़रूर बताइए, बारबाडोस चेरी है, और इसमें जब पहली बार इसी साल फ्लावरिंग, क्योंकि एक साल ही इस पौधे को मुझे हुआ है, तो आप देखिए फ्लावरिंग हो रही है। मैंने इतने दिन से सिर्फ पानी डाल देती हूँ, थोड़े से माइक्रोन्यूट्रेंट्स दिए, उसके अलावा ज़्यादा कोई काम नहीं कर रही हूँ। आप देखिए मुझे खुद बहुत अमेजिंग सा लग रहा है, अगर बारिश हो जाए या थोड़ा सा कुछ हो तो ये फ्रूट्स कन्वर्ट हो सकते हैं, बट ये देखिए काफ़ी अच्छी फ्लावरिंग हो रही है, क्योंकि देखिए मैंने एक डेढ़ महीने पहले भी देखा था इसमें फ्लावरिंग हुई थी, बट ज़्यादा नहीं हुई थी, कुछ एक फ्लावर्स ही आए थे। ये देखिए
अब लेकिन गर्मी इतनी ज़्यादा है तो मुझे बहुत अमेजिंग सा लगा। आजकल प्रॉपर तरीके से अपने प्लांट्स को मैं नहीं कर पाती हूँ, सुबह और शाम वाटरिंग हो जाती है, वो ही मेरे लिए बड़ी बात है। क्योंकि देखिए गर्मी बहुत ज़्यादा है, पहले ही होता था कि मैं यहाँ पर सुबह 8-9 बजे तक वीडियो बनाती थी तो इजीली बन जाते थे, ऐसा कुछ नहीं होता। अब आप 6:30 बजे भी आएंगे, इतनी गर्म हवा होती है कि मुश्किल होता है यहाँ पर खड़ा होना भी। बट उसमें भी देखिए कहते हैं ना कि इतना कुछ नेगेटिव होने के बाद भी ये पॉजिटिव है। जामुन का पौधा ना वाकई बहुत हार्डी होता है। ये देखिए आप, जामुन का मेरा एक ही बंच लगा था, अगर आपको भी हंसी आएगी इसको देखकर, एक ही बंच पहला ही साल है। देखिए मेरे बहुत सारे फ्रूट प्लांट्स ऐसे हैं जिन्हें पहला ही साल है, तो ये आप देखिए सारे तो आंधी से, इस पर जैसे मेरे यहाँ पर दूसरे प्लांट टके हुए तो वो गिर गए थे, तो अब ये ही एक बचा है। और ये देखिए किन्नू, ये प्लांट्स गिर गया था मेरा और इसकी ये ब्रांच भी टूटी हुई है। अब अगर मैं बस यही एक भगवान से प्रार्थना करूँगी कि बारिश हो जाए ताकि बारिश का पानी इन्हें लग जाए, और वरना क्या होगा कि ये फ्रूट्स कई बार अगर ज़्यादा ही गर्मी, अभी भी मैं देख रही हूँ कि कोई उम्मीद नहीं है कि हमारे जो यूपी है, बिहार है, राजस्थान है, हरियाणा है, नॉर्थ इंडिया में अभी भी लू ही चलनी है। यानी कि कोई भी उम्मीद की किरण नहीं है कि कोई बारिश हो जाएगी। हालांकि मैं शावर कर देती हूँ बट मेरी जो ये टंकी है ना, इसका पानी भी इतना गर्म हो जाता है। देखिए मैं अब उस ठंडे पानी को तो कहीं से नहीं लेकर आ सकती, क्योंकि आप जानते हैं कि दिल्ली में पानी की भी प्रॉब्लम हो रही है, तो इन्हें जैसे तैसे वो भी प्रोवाइड कराना पड़ता है। और ये देखिए मेरा दार्जिलिंग ऑरेंज, और ये मेरा जो है ये जो नागपुरी ऑरेंज है, अभी देखिए इसमें फ्रूट्स लगे हुए हैं, बट आई होप कि थोड़ी बारिश हो जाए तो ये फ्रूट अच्छे से चल जाएंगे। और देखिए फ्रेंड्स, ये मेरा नेक्टरन का प्लांट है, हार्वेस्टिंग हो चुकी है, और देखिए लीफ कटर ने क्या किया है मेरे पौधे का। ये देखिए अब बिल्कुल ग्रोथ, ये जो नए पौधे लगाए ना, सबसे ज़्यादा टेंशन तो मुझे उनकी है कि कैसे ये सर्वाइव करेंगे। देखिए आम का पौधा है, किंग ऑफ चकापात, ये थोड़ी देखिए इसकी ग्रोथ जो है स्टार्ट हो गई है। बट कैटिमोन की जो देखिए पत्तियां झड़ गई थी, मैंने देखिए इसमें फ्लावर्स आए थे, मैंने हटा दिए थे क्योंकि अभी लगाया था। अब देखिए इसमें शूट यहाँ पर थोड़ा फुटा हुआ था, बट उसके बाद गर्मी की वजह से वो ख़राब हो गया। मैंने हालांकि इसे थोड़ा सा इसको कवर किया हुआ है ताकि हीट इसे जो ना लगे। और ये मेरे दशहरी आम हैं, और ये देखिए ये काफ़ी अच्छे से चल रहे हैं, लेकिन देखिए आप देखेंगे प्लांट की ग्रोथ भी स्टार्ट है, बट कुछ फ्रूट इस तरीके से देखिए, कुछ तो मैंने तोड़ भी लिए हैं, जो छोटे छोटे पीले हो गए तो मैंने तोड़ के निकाल दिए। अभी इनका साइज़, जबकि 15 जुलाई के बाद ही हम जो है इनकी हार्वेस्टिंग करते हैं, ये देखिए अभी साइज़ इनका, मुझे नहीं लगता कि अब इनका साइज़ ज़्यादा बढ़ेगा। गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, जिस तरीके से ये देखिए छोटे ही थोड़ा सा येलो हो रहे हैं। हालांकि देखिए प्लांट्स में सब में नई ग्रोथ है, मैंगो के सभी में, सभी के यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि मैंगो में ग्रोथ भी है, लेकिन तेज़ गर्मी रही। देखिए जैसे कि अब क्या होगा कि ये नए फुटाव होते, अगर लू इसी तरीके से कंटिन्यूस जारी रही तो ये इनको नुकसान हो सकता है। अनार है मेरी भगवा वैरायटी है, और इनका साइज़ अब हालांकि काफ़ी बड़ा, बहुत इसको ना सनलाइट ही पसंद है अनार के पौधे को, तो इसे अच्छी सी प्रॉपर सनलाइट में ही हमेशा रखें। बट इस बार तो इतनी सनलाइट है कि बस पूछिए मत। ये देखिए सर्दी भी इतनी ज़्यादा हुई और दिल्ली में गर्मी भी, मेन चीज़ ये थी कि जो लॉन्ग पीरियड होता है ना वो ख़तरनाक हो जाता है। कुछ दिनों के लिए सर्दी आती है तो ठीक है, बट वही सर्दी भी बहुत लंबी रही। ये चीकू का मेरा दूसरा काली पत्ती की वेराइटी है, ये देखिए, लेकिन वही है कि गर्मी बहुत ज़्यादा है। मेरी तोरी की बेल में हम इतनी हार्वेस्टिंग कर रहे थे, यानी कि काफ़ी अच्छी जो हमें सब्जियां मिल रही थी, बट अब जो है बिल्कुल शांत हो गए पौधे। और देखिए बैंगन के पौधे में इतनी फ्लावरिंग होती है ना, बट वही होगा वो फ्रूट दिन की जो तेज़ लू इसे लगती है ना उससे ये, वरना भी हम बीच में काफ़ी अच्छी इनकी, देखिए मैं कुछ वेजिटेबल्स भी आपके फ्रूट गार्डन में अपने में दिखा रही हूँ कि ककड़ी हमें डेली हार्वेस्टिंग के लिए मिल रही है, बट उसकी जो तेज़ी से जो मिल रही थी ना वो स्पीड कम हो गई है, यानी कि अब कम ककड़ियाँ लग पा रही हैं, जो कि हम डेली तीन चार हार्वेस्टिंग कर लेते थे वो अब कम हो गई। हालाँकि उस साइड देखिए अभी भी लगी हुई हैं। और देखिए इसकी हार्वेस्टिंग हम कर चुके हैं आड़ू की,
हालांकि देखिए मोस्टली सभी आड़ू के जो पौधे होते हैं उनकी हार्वेस्टिंग हो जाती है, बट देखिए लीफ काफ़ी जो है येलो होने लग गई है, गर्मी इतनी ज़्यादा है कि कुछ भी नहीं कर सकते हैं हम। पहली बार जो है मेरे कस्टर्ड एप्पल में बहुत अच्छे से फ्रूट सेट हो गए थे, साइज़ भी काफ़ी बड़ा हो गया था, बट वही है कि लू की चपेट में आ गए वो भी, अब वो ड्रॉप आउट हो गए। हालांकि इसमें मैं देख रही थी कि फ्लावर्स भी अभी भी आ रहे थे गर्मी में, इतनी गर्मी में भी देख अभी भी देखिए जैसे कि ये यहाँ पर मैं देख रही हूँ छोटे छोटे फ्लावर्स बन रहे हैं, तो वो फ्रूट में कन्वर्ट हो ही नहीं सकते हैं क्योंकि इतनी ज़्यादा गर्मी है। देखिए अगर सबसे ज़्यादा मुझे परेशानी है ना तो इस पौधे से है, और मैं बड़े मन से यानी कि वहाँ जाकर स्पेशली एप्पल के पौधे लेकर आई थी। हालांकि दूसरा मैंने इस तरीके से पत्तों के पीछे उसे भी बचा के रखा हुआ है, अगर अभी भी बारिश हो जाएगी तो ये सेव हो जाएगा, नहीं तो ये बहुत मुश्किल है इस प्लांट को बचाना। तो देखते हैं, देखिए अभी शेडेड एरिया है, उस शेड है मेरी थोड़ी सी जो लगी हुई है छत पर, उसके नीचे है, यहाँ पर धूप भी लेट आती है, बट उसके बाद भी देखिए प्लांट, क्योंकि ये प्लांट्स ना मैंने नए लगाए थे, कुछ मुझसे मिस्टेक हो गई कि वहाँ पर इसकी बहुत अच्छी ग्रोथ थी तो मैंने इसे छोड़ दिया, लेकिन दो दिन जो लू के जो मई में इसको लगे उससे ये प्लांट मेरा ख़राब हुआ है। और देखिए ये जो है मेरा बादाम का पौधा है, काफ़ी अच्छा, अभी मैंने ये रिसेंटली लगाए हैं 4-5 पौधे, और देखिए कोस्टली भी आते हैं और बहुत मुश्किल से रेयरली कुछ फ्रूट प्लांट हमें मिल पाते हैं, और मैंने वहीं से लिया जहाँ इसके मदर प्लांट से, तो देखिए अब बर्न थोड़ा सा होने लगा है। अगर बारिश होती है तो हमारे पौधे काफ़ी कुछ अभी भी सेव हो जाएंगे। देखिए मैं ये नहीं कहती कि एक दो प्लांट्स कई बार होता है कि हीट को नहीं बर्दाश्त कर पाते, बट अगर और लॉन्ग टाइम गर्मी रही तो प्लांट्स को काफ़ी नुकसान होगा। इसी उम्मीद के साथ कि अब जल्द ही बारिश आएंगी और फिर से हमारा पौधा जो है हरे भरे हो जाएंगे। मैं जानती हूँ कि सभी के साथ प्रॉब्लम आ रही है, तो चलिए वीडियो में मैंने आपके साथ देखी कुछ पॉजिटिव चीज़ें भी शेयर की, कुछ नेगेटिव भी, जो भी कुछ था मेरे गार्डन में वो मैंने शेयर किया। वीडियो भी नहीं आजकल इसीलिए थोड़ा सा कम बनाती हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा काम टेरेस पर बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हालांकि ऐसा नहीं है पहले भी गर्मियां तो हर साल ही आती है, बट इस बार ये होता है कि सुबह 6:30-7 बजे के बाद से ही सुबह से शुरू हो जाती है, शाम 7 बजे तक ये रहता है, उसके बाद देखिए काम करने का इतना होता भी नहीं है। तो मैं इसी उम्मीद के साथ, आप अब नए पौधों की तैयारी कीजिए, बारिश तो आनी ही है, 15 दिन बाद 20 दिन बाद बारिशें शुरू हो जाएंगी, तो आप ज़रूर अपने पौधे लगाइए। मैं भी कुछ सोच रही हूँ, लिस्ट वगैरह देखती रहती हूँ, नर्सरी भी मुझे भी आप लोग सजेस्ट कीजिए कि आप कौन सी नर्सरी से पौधे मंगा रहे हैं, और मैं भी आपको सजेस्ट करूँगी कि जहाँ से मैंने मंगाए और मुझे पौधे अच्छे मिले। तो मैं भी आजकल बस वही देखती रहती हूँ कि कौन सा पौधा लगाना है, कुछ अपने पॉट्स वगैरह रेडी कर रही हूँ, तो यही सब काम आजकल मेरे टेरेस पर चल रहा है। तो वीडियोज़ पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू।